देहरादून से खबर सबसे पहले जहां उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बिल्डिंग की छत से उतर गई है सुनीता चंदेल, जो बिल्डिंग की छत पर चढ़ी हुई थी। सुनीता चंदेल डायरेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई थी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने हड़कंप मच गया था, बाद में बड़े अधिकारियों ने समझाया, जिसके बाद सुनीता अब छत से नीचे उतरी है। तो एक बार फिर से बता दें, देहरादून में जब उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बिल्डिंग से खबर आई थी, काफी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक छात्रा छत के ऊपर चढ़ गई थी। फिलहाल अब अधिकारियों के मनाने का असर हुआ है और सुनीता चंदेल, जो उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बिल्डिंग की छत पर चढ़ी थी, वो फिलहाल नीचे उतर गई है। तो निदेशक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था सुनीता चंदेल ने। सौरभ भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सौरभ, आखिरकार मनाने में कामयाब रहा प्रशासन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह जो है सुनीता चंदेल डायरेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, खुद जो है कॉलेज प्रशासन पहुंचा, यूनिवर्सिटी के जो है रजिस्ट्रार तक वहां पर पहुंचे और उसके बाद जो उन्होंने सुनीता को बनाया और आश्वासन तक दिया कि जो है उनकी मांगों पर जरूर अमल किया जाएगा। और जिस निदेशक पर उन्होंने आरोप लगाया कि उसके उत्पीड़न कर रहा है, उसके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन जांच कब पूरी होगी, कार्रवाई कब होगी, इसका जो है अभी कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार। लेकिन जो है प्रशासन इन्हें मनाने में जरूर कामयाब साबित हुआ और सुनीता चंदेल फिलहाल जो है वीसी के साथ इस समय उनकी वार्ता चल रही है। जी तो ठीक है, वार्ता चल रही। तो सौरभ, चलिए अभी आपने कहा कि कब तक कार्रवाई होगी ये पूरा नहीं हुआ, वार्ता चल रही, तो क्या ऐसा कोई मौका आया सौरभ, जब बातचीत आपकी सुनीता से हुई हो, क्या कहना है उनका? देखिए, सुनीता का सीधे तौर पर यही कहना है कि जब जो है वो क्लास में जाती थी तो निदेशक के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता था, बच्चों के सामने ही जो है जो छात्र है वहाँ के उनके सामने उनसे जो अभद्र भाषा में जो है बात की जाती थी, जिससे जो खासी परेशान थी, जिसकी शिकायत उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से लेकर शासन के बड़े अधिकारियों तक की और इसके साथ ही जो है खुद वीसी को भी कई बार जो पत्र लिख चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर, उनकी जो उस उत्पीड़न वाले मामले पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसके चलते आज वो परेशान होकर आखिरकार जो है यूट्यूब की छत पर चढ़ी और उन्होंने जो है वीसी से जो है कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब वार्ता पूरी हो जाएगी उसके बाद जो ये कह पाना संभव हो पाएगा कि किस तरीके की अब जो है वीसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका जानकारी के लिए।